गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग बैक टू बेस। मुक्तेश्वर की शॉर्ट सी वेकेशन हुई ओवर और हम वापस आ गए थे अपनी डेली रूटीन में। और हमेशा की तरह डेली रूटीन की शुरुआत हुई मॉर्निंग वॉक से और अराउंड 3900 स्टेप्स कंप्लीट करे और मैं सीधा पहुंच गई थी घर। आज का हमारा ब्रेकफास्ट कॉमन नहीं था क्योंकि नीर को लेके जाना था पराठा और हमारा मन कर रहा था खाने का करेले। तो खैर आलू प्याज करेले की सब्जी मैंने बना दी थी सबसे पहले, लास्ट में डाल दिया था थोड़ा सा आमचूर पाउडर और फाइनली इसको कर दिया था स्टोर एक डिब्बे में। और लंच के लिए मैंने साथ में बना दी थी मूंग साबुत दाल तड़के वाली। जब करेले बनते हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट होता है प्लेन पराठा विद करेले, लेकिन वो नीर को बिल्कुल पसंद नहीं है तो नीर को लेके जाना था मिक्स पराठा। और पराठे की स्टफिंग के लिए आज मैंने यूज़ किया था पनीर जिसको मैंने घर पे बना लिया था, साथ में बॉयल्ड आलू और उसमें डाल दिए थे सारे के सारे बेसिक से मसाले, थोड़ी सी अजवाइन और हरा धनिया, थोड़ा सा चॉप्ड अनियन डाला और इस सब को अच्छे से कर लिया था मिक्स और बढ़िया सी स्टफिंग हो गई थी रेडी। नीर को समर कैंप में आ रहा है बहुत ही मज़ा क्योंकि डेली डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन गए नीर के, तो खूब मज़े कर रहा है। तो हमारा ब्रेकफास्ट, नीर का ब्रेकफास्ट और लंच सब कुछ हो गया था रेडी और सब कुछ कर दिया था मैंने पैक और मैं चल पड़ी थी ऑफिस। बाय। और वेकेशन के बाद ऑफिस जाना वैसे ही लगता है जैसे छुट्टियों के बाद हम जाते थे स्कूल। एक तो थी शॉर्ट वेकेशन और वो भी पहाड़ों में इतने बढ़िया मौसम में और वहां से हम वापस आ गए गर्मी में। आई होप यहाँ पे भी जल्दी से मानसून आ जाए क्योंकि गर्मी बहुत ही ज्यादा हो गई है। खैर शाम को ऑफिस से आके आज मेरी ड्यूटी थी नीर को लेके जाना स्विमिंग पूल। और आजकल एक और चैलेंज हम फेस कर रहे हैं वो है नीर का हॉलीडेज होमवर्क जो है बहुत ही ज़्यादा टफ और पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी पढ़ाई। और आपका भी अगर यही हाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी नहीं है, बेगार में मत डरा करो। कहाँ बैठ रहे हो? इस पे नहीं बैठो, नॉर्मल बैठो। कहाँ पे देखिए आपने? कुछ भी नहीं है बेटा, डरते नहीं है ऐसे। बिजली के सुपरवाइजर बने हुए थे बस, वो क्या कहते हैं मुक्तेश्वर जाने से पहले ही थे। देख लो आप बिजली फालतू क्या जल रही है, खुद देख लो आप। क्या बिजली? हाँ देखो, नजर मारो और नजर मारो ना। हाँ तो फिर पता है तो बंद क्यों नहीं करते? पंखे बंद करने हैं। बिजली मतलब बिजली, वो भी तो बिजली है, कम से कम अपने रूम की तो बिजली देख लो। मुझे लैपटॉप दे दो। सही बता रही हूँ नहीं, मेरे को चक्कर आ रहे हैं आपका हॉलीडे होमवर्क देख के। मुझे ऐसे लग रहा है वो हॉलीडे होमवर्क मम्मा पापा का हॉलीडे होमवर्क है। आपके SST की बुक में कोई भी चैप्टर है जिसमें आप चोलाज, मौर्य, एम्पायर इनके बारे में आप पढ़ रहे हो तो ये अभी से क्यों तैयार हो गया? इंडेक्स में भी देखा है कोई एम्पायर को लेकर जो कोई। तो बेटा इतना टफ टफ आपका हिस्ट्री का होमवर्क मिला हुआ है यार, हम पढ़ रहे हैं बैठ के पहले। मैं सही में बता रही हूँ, मेरा दिमाग घूम रहा है इसको। फिफ्थ वाला होमवर्क ही नहीं है वो और सारा हमें पढ़ना पड़ रहा है। बहुत ही यार टीडियस जॉब दे दिया। अब मेरी बात सुनो, इधर आ जाओ, मुश्किल इधर आओ। मेरा सुन लो, मेरा क्या टारगेट है, अभी आपको दो वेकेशन पे और जाना है जून में। अब टारगेट मेरा ये 15 जून तक सारा मेरे को आपका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कराना है, ठीक है? और 15 जून तक क्यों? और फिर बाकी के 15 जून में वेकेशन पे भी आप जा रहे हो और उसके बाद आपका स्कूल खुलते एग्जाम है, उसकी पढ़ाई कौन करेगा? एग्जाम आपके जुलाई में ही है, स्कूल खुलते 2 जुलाई। वो नहीं मैं कह रही, 15 जुलाई तक सारा कंप्लीट करना हॉलीडे होमवर्क, फिर बाकी के 15 दिन पढ़ाई। हाँ इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा तब जाके आपका सब कुछ होगा क्योंकि आपका इतना टफ हॉलीडे होमवर्क है ना नीर, आप खुद नहीं कर पाओगे, ये तो कन्फर्म्ड है, नहीं कर पाओगे आप, बिल्कुल नहीं आपको समझ आने वाला। ये पेरेंट्स को हॉलीडे होमवर्क होना चाहिए था। आप मुझे डांट रहे हो? नहीं मैं डांट नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ ये देख के। मेरी गलती है? आपकी गलती नहीं है, टेंशन होमवर्क है ये, हॉलीडे होमवर्क तो मुझे लग नहीं रहा कहीं से। तो गाइस अभी हम मुक्तेश्वर से आए हैं और यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, AC भी इतना ठंडा नहीं कर रहा, हमने 26 पे कर रखा है AC और AC तब भी लेटे हुए हैं ना, तब भी AC ना बिल्कुल गर्मी हो रही है। अब बताओ क्या कर रहे, 33 हो रखा है टेम्परेचर और तो 21-26 हो रखा था। कहीं घूमने गए हो या आप क्या कर रहे हो इतनी गर्मी में, क्या जुगाड़ लगा रहे हो खुद को इस गर्मी से बचाने के लिए, बताइए कमेंट्स के अंदर।
क्योंकि हमारा तो एसी भी ज़्यादा ठंडा नहीं कर पा रहा है इतनी गर्मी के अंदर। मतलब ठंडा तो कर रहा है पर इतनी गर्मी हो रही है, वो ठंडक फील ही नहीं हो रही। हमारा एसी थोड़ा पुराना हो गया है तो वो कूलिंग भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं करता। तो ऐसे ही था आज का हमारा हेक्टिक सा डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।